प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव के सुपुत्र बाबा श्री गणेश के चरणों में नमन वंदन है। परम पूज परम श्रद्धेय अतुल्य गुरुवर सम्मानी माननीय राकेश कुमार पांडे जी के चरणों में नमन वंदन है। दूर दराज से आया हुआ है जन सैलाब कीर्तन श्रोता बंधु कीर्तन कलाकार बंधु कीर्तन प्रेमी बंधु सभी को हृदय से साधुवाद है। आप सभी का संभव हलचल की ओर से स्वागत है। नमन बंधन की वेला में नमन बंधन कर रहा हूं जिनके माध्यम से आज ये विशालतम जवाबी कीर्तन का आयोजन हो रहा है। भैया विक्रम राजा बब्बू राजा बुंदेला परिवार यानी पूरे इस परिवार की ओर से ये विशालतम आयोजन आयोजित हो रहा है। मैं पूरे बुंदेला परिवार को हृदय से साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका मंच के माध्यम से स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत की वेला में स्वागत कर रहा हूँ परम पूज परम श्रद्धे सम्मानी मानी अतुल्य बड़े भाई बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष सम्मानी श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया जी, आपका हृदय से स्वागत है, आशीर्वाद की कामना है। और स्वागत कर रहा हूँ हमारे मध्य में अपाला गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली सम्मानिया मानिया माताएं बहने, आपका भी स्वागत है। स्वागत है बड़ी दूर से आए हुए इस कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए हमारे हृदयांश भैया श्री संजय भैया के एस म्यूजिक, आपका भी स्वागत है। संभोल जल की ओर से साधुवाद है। और स्वागत की वेला में स्वागत कर रहा हूँ आज की सहयोगी कलाकृति सम्मानिया मान्य नीलम विश्वकर्मा जी और उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आइए बहुत अधिक समय न लेते हुए शीघ्र चल रहा हूँ जवाबी कीर्तन की ओर। एक निवेदन के साथ, अगर संपूर्ण रात्रि में हम लोगों से कहीं कोई त्रुटि हो जाएगी, और स्वाभाविक है कि हो ही जाएगी क्योंकि अधिक बोलने वाले से कुछ न कुछ गलती हो जाती है, तो आप लोग अपना समझकर क्षमा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ प्रस्तुत है संभोल चल कानपुर। जहां पर भी आगमन हो जात है गणेश को, वहां पर पांव नहीं लागत है कभी पाप और कलेश को। तो सबसे पहले भगवान गणेश को बुलाते हैं, हे विघ्नराज आप आमें और निर्विघ्न इस कार्य को पूर्ण करें। आइए चंद पंक्तियां लेकर चल रहा हूं आराध्य माता सरस्वती की चरणों में। और भक्त कहता है मां से मां माँ सुन ले करुण पुकार, तेरे द्वारे आए हैं। लालों पे करो उपकार, तेरे द्वारे आए हैं। माँ
ममता और प्रबल प्यार दिया करती है, माँ की दया से मिलता है प्रीति व स्नेह का उपहार। अरे एक माँ ही तो है जो संस्कृति आचरण और संस्कार दिया करती है। तो संबोल चल कह रहा माँ से कि माँ विनती करो स्वीकार, माँ सुन लो करुण पुकार, तेरे द्वारे आए हैं, माँ कर दो बेड़ा पार, तेरे द्वारे आए कल्याणी, वीणा पाणी माँ कल्याणी, जगदम्बा माँ जगरानी, ममता की शमताना तेरी, ममता की शमताना तेरी, वरदाता माँ वरदानी, वरदाता वरदानी। तो आज सभा के मध्य में हाँ तो वीणा की कर झनका, हर स्वप्न करो साकार, तेरे द्वारे आए हैं, माँ कर दो बेड़ा पार, तेरे द्वारे आए की बिंदी आ की मात्रा लग जाती है तो माँ एक शब्द हो जाता है। व्यक्ति की प्रथम पाठशाला भी है माँ और व्यक्ति की प्रथम गुरु भी है माँ। लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा, लेकिन आप संधि विच्छेद कर दे तो गुरु पूर्ण माँ। तो सुनिएगा शंभू चल कह रहा है माँ आपके स्वर से आपकी शक्ति से कौन कौन शक्तिमान है जरा सुनिएगा। आदरणीय पाठक जी बिंदु पर ध्यान दीजिए, कौन कौन शक्तिमान है। कि कान्हा की बंसी में तुम हो, सी में तुम हो, अरे डमरू में शिव शंकर के, तो नारद की वीणा में तुम हो, नारद की वीणा में तुम हो, करतालों में कपीवर के, कपीवर के, अरे स्वर सरगम की आधार, किश्वर सरगम की आधार, तेरे द्वारे आए माँ कर दो बेड़ा पार, तेरे द्वारे आए जनमानस के बीच में। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। धूप में
इच्छाओं की ओट आई तो नहीं। अरे मेरे लाल, तेरे सीने में कहीं खोट आई तो नहीं। और जिस दम माँ के दिल को लेकर गिर पड़ा माँ का लाल, तो उस दिल से आवाज आई, मेरे बच्चे तेरे कहीं चोट आई तो नहीं। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत धीरे धीरे बजा रहे हैं, लगे कि आप लोग तालियां बजा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। जरा सुनिएगा गीत, बहुत दूर तक नहीं ले जा रहा हूं, बस अंतिम पंक्तियां हैं इस वंदन गीत की, सुनिएगा। कहना है कि पावन महिमा अद्भुत गरिमा, पावन महिमा अद्भुत गरिमा, सारे जग में पल पल है, सारे जग में पल है। और भैया हाँ, कि तुमसे ही सृष्टि है सारी, पाठक जी बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, कि तुमसे ही सृष्टि है सारी, हर एक हृदय में हलचल है, हर एक हृदय में हलचल है। तो भक्ति का हो भंडार और सारे जग की सरकार तेरे द्वारे आए हैं, माँ कर दो बेड़ा पार तेरे द्वारे आए, माँ कर दो बेड़ा पार तेरे द्वारे आए, माँ कर दो बेड़ा पार तेरे द्वारे आए हैं, माँ कर दो बेड़ा तेरे द्वारे आए हैं। सच्चे दरबार की आदेश हुआ है, अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूं, तो सबसे पहले विघ्नों के हर्ता भगवान गणेश जी को मनाते हैं। मैं एक बार सभी से निवेदन कर रही हूं, हालांकि कड़ाके की सर्दी है, दोनों हाथों उठाकर जोरदार जयकारा प्रभु गणेश का लगा दें, जिससे यह कार्यक्रम सफलता से सफलतम की ओर जाए। प्रेम से बोलते गणेश भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। आइए, सबसे पहले इस पावन ग्राम के बिरोना ग्राम में जो श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन हो रहा है, यहाँ की पावन रज को अपने माथे पर अंकित करते हुए भगवान गणेश माता सरस्वती को बार बार प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत पुराण को बार बार अपने माथे पर लगाते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ कर रही हूँ। भगवान गणेश माता सरस्वती सृष्टि के समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर रही हूँ, आवाहन की श्रृंखला में आवाहन कर रही हूं संपूर्ण रात्रि विघ्नों का नाश करने वाले हमारे भगवान गणेश माता सरस्वती प्रभु श्री रामचंद्र षष्ठी के समस्त देवी देवताएं हैं। लेकिन सुंदर सी व्यवस्था इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे सम्मानीय बड़े भैया ने किया है, मंच के माध्यम से
स्वागत कर रही हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री कुंवर राजन सिंह जूदेव, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री विक्रम सिंह जूदेव, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री बब्बू राजा सिंह जूदेव, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ। हमारे सम्मानीय चाचा जो छतरपुर से पधारे हैं, हमारे चाचा चाचा श्री बलवीर सिंह दाऊ जी, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। सम्मानीय नमन वंदन की श्रृंखला में दूर दराज से पधारे हमारे भैया दत्ता लोग, तमाम सुनने वाले कीर्तन प्रेमी सभी को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में हमारे शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें भी बैठी हैं, आपका भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, जो इतनी सर्दी में आप लोग समय दे रही हैं। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ, संपूर्ण रात्रि हमारा सहयोग देंगे हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री शंभु हलचल जी, आपका और आपके साथियों का हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। और स्वागत की श्रृंखला में सम्मानीय बड़े भैया फिरोजाबाद से पधारे हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री KH म्यूजिक बड़े भैया भैया संजय भैया, आपका भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आप लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को सुनेंगे, हमारे बड़े भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ दोनों कलाकार के बीच में हमारे बड़े भैया तीसरे कलाकार हैं साउंड सर्विस के बड़े भैया जो आप साजवाज संभाले हैं, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। क्योंकि वास्तव में दो कलाकार के बीच में आपकी बड़ी अहम भूमिका होती है। आइए, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया शंभु भैया जी ने कि सुंदर सा सवाल माता की वंदना उस चक्र में प्रथम चक्र मेरा भी है। आइए, मुझको अधिक समय लगेगा, आइए समय का ध्यान देकर चंद पंक्तियां छोटा सा एक लघु वादन सुनेंगे, तत्पश्चात माता रानी की वंदन गीत, इसके बाद सुंदर से बड़े भैया के गीत का हम बच्चों की तरफ से प्रयास रहेगा। आइए सुनेगा सुने आइए कार्यक्रम अपनी ओर से प्रारंभ कर रही हूँ। और जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले दौड़कर माता रानी के चरणों में चला जाता है। क्योंकि सत्य मानिए बड़े भैया, अगर माता की कृपा नहीं है तो गाना तो दूर व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो माता रानी के चरणों में हम बच्चे भी चलते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। उससे पहले यह हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री विक्रम भैया ने सुंदर सा आयोजन किया है श्रीमद् भागवत पुराण का। और जब ये सुंदर 7 दिन आप लोगों ने कथा सुनी है, जब कथा का श्रवण किया है, भंडारे में भैया ने जवाबी कीर्तन का भी आयोजन कर रखा है, तो सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में चलते हैं। किस गांव पर, ग्राम पर और हमारे बुंदेला परिवार पर सदा भगवान गणेश की कृपा यूं ही बनी रहे। आइए चलो बेटे
पंकज शीश नवाते रहे तो रस रंग करें इतनी विनती कि बिन विघ्न ही ये हरि ध्याते रहे तो नित मंगल मोद मनाते रहे मनमोहन के गुण गाते रहे। बहुत बढ़िया बढ़िया। बार बार प्रणाम है भगवान श्री गणेश के चरणों में। जय हो। देखिए माता रानी के साथ साथ एक कृपा और रहती है हम कलाकारों के साथ में। जय हो। वो कृपा होती है गुरुवर की। वाह। लेकिन मेरे साथ साथ दो कृपाएं हैं। और क्या? माता रानी गुरुवर और एक विशेष कृपा हमारे साथ हमारा वास्तव में जिसने कुछ भी नहीं जानती थी मैं कीर्तन के क्षेत्र से बिल्कुल अनजान हूँ लेकिन पूरा पूरा साथ दिया हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी ने जो संपूर्ण भारत के उत्तर भारत के कीर्तन हालांकि यहाँ कहते बुंदेलखंड अध्यक्ष है लेकिन यहाँ मैं कहूंगी शमाने बड़े भैया संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ कीर्तन होता है आप वहाँ वहाँ तक सबका साथ देते हैं। जय हो। मेरा भी साथ दिया बड़े भैया की असीम कृपा है मेरे ऊपर गुरुवर की चंद पंक्तियां गुरु के दिए। जय हो। कि गुरु बड़े सबसे बड़े गुरु से बड़ा न ज्ञान तो गुरु महिमा के सामने झुक जाते भगवान। बार बार प्रणाम है गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेला उत्तर प्रदेश आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हूँ। आइए जब माता रानी के चरणों में चलते हैं तो माँ से कहना है कि हे माँ कि यादे विसर विभूतेषु कृपारु नमस्तस्यै नमो नमः। जय हो। माता रानी के चरणों में बार बार प्रणाम है साथ ही निवेदन है कि हम बच्चे साज और आवाज से माँ की वंदना करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि शब्दों से ना सही भावों से आप लोग माता की वंदना करिए ताकि माता की वो वंदना मेरी और आप सबकी तरफ से हो जाए। हमारे भैया भूपेंद्र भैया जी बैठे हैं और हमारे भैया छोटे भाई महदीप भैया सभी से निवेदन है कि माँ की वंदना में सम्मिलित होइए। हालांकि वंदना में धुन बताने की आवश्यकता नहीं है
लेकिन कोई कोई धुन मुंबई वालों ने ऐसी निकाली है कि बड़ा आनंद आता है और गाने का मन करता है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि ताल पे जब ये जिंदगानी चली लेकिन वास्तव में माता मैं कुछ नहीं जानती। जब नहीं जानती तो आपका नाम लिया और कीर्तन को प्रारंभ कर दिया। तो हे माँ केवल निवेदन इतना है कि मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ। हे माँ मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ। हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ। तुमको समर्पित कर तुम नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। तो कहना है माँ क्या क्या बात कि माँ सबको तेरी मेहरबानी मिली। तो हे माता रानी हर कलाकार को आपकी कृपा प्राप्त हुई है। क्या बात है? तो कहना क्या बात है? कि तुमसे ही माँ कि तुमसे ही माँ ये जिंदगानी मिली। देवताओं ने भी कार्य किया है। अति के संजय भैया किस किस देवता ने माता की कृपा से कार्य किया है कि तुमसे बने रचयिता ब्रह्मा विष्णु पालन करता। और विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं तो वो भी तेरी कृपा से। जय हो। तो कहना कि तुमसे बने रचयिता ब्रह्मा विष्णु पालन करता।
तो शिव जी शक्ति तुम्हारी पाके कहलाए संहर्ता जाने जो ये मरा सब है तेरा करम yeah! ए भवानी जाने जो ये मरा सब है तेरा करम yeah! बस तू ही तो है वरदानी मिली yeah! माँ सबको तेरी मेहरबानी मिली तो तुमसे ही माँ तुमसे ही माँ जिंदगानी मिली तो भवानी के कृपा से होता है तो आइए सुने कि सूरज चांद सितारे चलते यहाँ तक कि सूरज चांद भी चलते हैं सूरज चांद सितारे चलते आज्ञा तेरी पागल तो सुर मुन तो सुर नर मुनि जन मन खुश होते कि सुर नर मुनि जन खुश मन होते महिमा तेरी गावे मेहरबानी मिली तो तुझसे ही माँ तुझसे ही माँ जिंदगानी मिली मेरी माँ बना दिया yeah! तो कहना भवानी क्या बड़े अरे माता केवल निवेदन इतना है हेलो हेलो सिटी ना बजा भाई कि मैं ममता की प्यासी माता हो भवानी मैं ममता की प्यासी हूँ लेकिन कि मैं ममता की प्यासी माता तू ममता का सागर तुम ममता के सागर में मैया भर दे मेरी गागर
मैया भर दे मेरी गागर, माँ सदा प्रीत हो, माँ सदा प्रीत हो, गीत संगीत हो, स्वर सरगम की नीलम दीवानी मेरी, स्वर सरगम की नीलम दीवानी मेरी, तो माँ सबको तेरी मेहरबानी मिली, कि तुमसे ही माँ, तुमसे ही माँ जिंदगी